वाला जो मेरा वीडियो है उसका सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू अवेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ हिजामा. हिजामा की अहमियत इस्लाम के हवाले से बहुत है रिलीजियस में देखा जाए, और अगर इसे हम फिज़िकली या हम थेरेपीज़ या डिफरेंट बीमारियों के इलाज के लिए अगर इस थेरेपी को देखा जाए तो ये तब भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक मुसलमान के लिए होती है फिर वो यही होती है, क्योंकि इस पे रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. जिस तरह दूसरे ट्रीटमेंट हैं तो ये जो थेरेपी है ये सजेस्टेड बाय हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर 99% बीमारियों का इलाज इसमें छुपा हुआ है. तो अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसकी तरफ जाते हैं तो अल्लाह सुबहाना व ताला ज़रूर हमें इससे जो है वो शफा देते हैं इंशाल्लाह ताला. पिछले काफ़ी दिनों से मुझे जो इशू चल रहा था वो HB का था, 7 पे थी. और हाँ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मेरे साथ रही है पीछे वो फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स लाइक ऐसे हुआ है कि ग्रेजुअली मेरी जो आयरन है वो नीचे आती गई. और तो अब जाके काफ़ी जगहों पे जाने के बाद, हेमाटोलॉजिस्ट से मिलने के बाद, डर्माटोलॉजिस्ट से मिलने के बाद, मेडिसिन के डॉक्टर्स से मिलने के बाद, काफ़ी डॉक्टर्स से मिलने के बाद मुझे एक जिसे कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं हुई किसी भी हवाले से, क्योंकि मैं अगर आयरन ले भी लेती हूँ तो मुझे वो लाइक रिएक्ट कर जाता है अगर मेरी बॉडी को, मुझे सूट भी नहीं कर रहा, मैं ले भी नहीं सकती, ले लूँ तो मैं प्रॉब्लम में फिर आ जाती हूँ, और मेरा HP लेवल जो है वो बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा. इस चीज़ पर अल्लाह ताला से मदद मांगी थी कि अल्लाह ताला जो है वो मेरी मदद करें, कोई सही रास्ता दिखाएं. तो अल्लाह की तरफ से मेरे जहन में ये चीज़ आई और आज मैंने सोचा कि मैं हिजामा डाउट के भाई कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छे और हाइजीनिक हके से आपको जो है वो डील करें, क्योंकि ये एक ऐसा ज़रिया है जिसमें एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें बड़ा ही ख़तरा इस चीज़ का एक होता है कि आप हेपेटाइटिस का बड़ा ख़तरा होता है इन चीज़ों का, क्योंकि इनका बड़ा सेफ्टी जो है वो मेजरमेंट्स को देखना पड़ता है. तो आप कभी भी ऐसी जगह से ना करवाएं जो वो हाइजीनिक ना. मेरा मकसद जो है वो ये वीडियो बनाने का ये है कि कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये कपिंग थेरेपी तो हम खुद भी कर सकते हैं और किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से भी ये करवा सकते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसके. तो मेरा ये सजेशन है हर इंसान के लिए कि जिसको भी कोई इशू चल रहा है तो वो ज़रूर इसके ऊपर पहले रिसर्च करें, देखें कौन सी जगह पे सही सुन्नत के हिसाब से, जो भी सुन्नत के हिसाब से डेट्स हैं इस काम के लिए. तो गो फॉर इट, और मैं भी अपनी जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँ. अच्छा, हिजामा थेरेपी से रिलेटेड मैं तमाम लोगों को भी जो मेरी ये व्लॉग देख रहे हैं और जो हमारी पेशेंट है उनको गाइड करना चाहूँगी. सबसे पहले ये सुन्नत ट्रीटमेंट है, ठीक है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से और वो खुद करवाते आए हैं. इसका मतलब है कि हमें इसके ऊपर नेक नियति से चलना चाहिए. इट हैज़ नो साइड इफेक्ट एट ऑल, ठीक है, और इसके अंदर जो भी आपके कट्स लगते हैं निशान वो विद इन 1 वीक ख़त्म हो जाते हैं. और आपको मतलब कोई अच्छे थेरेपिस्ट जो हिजामा करेंगे आपको आफ्टर 10 डेज पता भी नहीं चलेगा कि उस पॉइंट पे कहीं कट्स लगे हैं. आज हम आपका हिजामा जो लेने लगे हैं वो हम एलर्जिक पॉइंट्स के लिए लेंगे, सुन्नत के कुछ पॉइंट्स इसके अंदर हम कवर करेंगे, और फुल बॉडी के लिए सेकेंडली हम माइग्रेन के कुछ पॉइंट्स ऐड करेंगे. तो वो हम इंशाल्लाह हिजामा करके उसके बाद आप अपना खुद रिजल्ट्स विद इन वीक आपको फील होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, एंड यू कैन टेल टू योर ऑडियंस एज वेल कि हाउ डू यू फील आफ्टर दैट. हर किसी का डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है. जैसे एलर्जी के लिए किसी ने करवाना है, ठीक है, तो हम 1 मंथ में आज करते हैं तो ठीक, मैं 2 मंथ्स बाद दोबारा रिकमेंड करूँगी कि एक दफ़ा करवाया जाए, फिर 2 मंथ्स बाद. वैसे जनरली अगर किसी बंदे ने करवाना हो तो साल में 3 सेशन ज़रूर ले लेने चाहिए. खाली सुन्नत पूरी कराने के लिए करना हो तो साल में एक दफ़ा भी करा लें तो कोई बुरी बात नहीं है. बट अगर आप किसी डिजीज़ के लिए करा रहे हैं, हर डिजीज़ की डिफरेंट है, कुछ लोगों में पास सिर्फ एक्नी के लिए आते हैं तो एक्नी को हम प्रेफर करते हैं कि आफ्टर 20 डेज आप मुंह का दोबारा रिपीट करवा लें, बैक का बेशक ना करना. इसी तरह कोई पॉलीसिस्टिक के लिए आती हैं फीमेल्स, उनका टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है, एवरी पेशेंट हैज़ डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन जब जब उनको बुलाया जाता है. अगर आप एक नेचुरली पूछ रहे हो तो साल में 3 विजिट्स लेनी चाहिए फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. और जो डेट्स और डेज हैं वो कौन, चांद की डेट्स अगर आप चाहते हो तो चांद की 17वीं, 19वीं और 21वीं ये बेहतरीन डेट्स मानी जाती हैं इस सिचुएशन के लिए कि हुज़ूर पाक ने इन डेट्स, चांद की डेट्स को रिकमेंड किया, उन्होंने खुद इन डेट्स पर जाना करवाया. लेकिन
साथ में ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी बीमारी के तहत करवाना चाह रहे हैं तो इन डेट्स का वेट मत करें। एग्जांपल, लोग मेरे पास लो बैक पेन के लिए भी आते हैं जमा कराने। अब आज चांद की अगर फर्स्ट डेट है तो यू कैन नॉट वेट टिल 17th कि 17 दिन गुजर जाए तो मैं करवा दूँ जमा। तो आप फर्स्ट पे भी, डे वन पे भी करवा सकते हैं, दैट इज नॉट इशू। अच्छा जी, तो हिजामा मैं करवा चुकी हूँ और इस प्रोसीजर में मुझे हार्डली 30 मिनट्स लगे हैं। 8 कप्स थेरेपी थी है जो कि दो टांगों पे, और बाकी जो है वो मैंने बैक पे करवाई है। इसमें बहुत हार्ड और फास्ट कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये है कि 24 आवर आपको नहाना नहीं है। इसके अलावा हम ऑलिव ऑयल लगा लेंगे इसके ऊपर और ठीक।